यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ हम लोग उधर का जो मिट्टी होता है ना वो नरम होता है, यहाँ देखो टाय एकदम पत्थर जैसा है, यहाँ देखो यहाँ गिर गया ना माथा तो फट जाएगा। देखो हेलो गाइस, स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। तो आज जस्ट रूम का पास में एक लेक है तो मल्लूर पे, तो थोड़ा इधर आए हैं और हमारे साथ है और भैया जी। हेलो, अर्जुन का भैया लगते हैं और यहाँ पे हमारा रिकी भाई। ए देख रिकी, ये इसे मुझे चाय आता है 3:30 बजे, चाय आने के बाद लगता है कि हाँ और 1.5 घंटा बचा है। ब्लॉग बना, ब्लॉग अच्छा, क्या मस्त है, पानी कम हो गया। और वहाँ में अर्जुन आ रहा है, वो पता नहीं ब्लॉग से क्यों इतना डरता है, वो तो फोटो खींचेगा बस, फोटो और रील्स बनाएगा। उसका देखा गोलिया ट्राइपॉड, ये देखिए बस ये एकदम रो ब्लॉक होगा बिल्कुल छोटा सा। और ये देखिए अच्छा रास्ता बना दिया इसे, मछली का बच्चा वो व्यू तो काफी अच्छा है। वो पत्थर में का खलियान, ये देखिए पूरी हरियाली है, सब्जी भी है। और ये पानी के लिए देखिए, ये वाटर स्प्रिंकलर के लिए सब जगह पानी देने के लिए, देखिए इतना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस। पोर्ट्रेट नहीं, नारियल पानी नहीं तो ऐसा रहेगा तो मोटा मोटा दिखा दे, उसको तू भी निकलेगा ना, थोड़ा धूप में खड़ा हो जा, क्यों उधर खड़ा है, अंधेरा आ रहा है। तो गैस अभी हम सभी जा रहे हैं, हम लोग का फोटो सेशन हो गया, लेकिन इसका देखो अभी तो फोटो सेशन हुआ नहीं है, इसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अभी भी ढूंढ रहा है, जाएगा नहीं अभी तक। देखिए इसको शांति नहीं मिल रही है, देखो ये देख सकते हैं ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है, देखिए हाँ देखिए ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर आगे खींच देगा तो भी इसको शांति नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं हुआ। चलो चलो नहीं रे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं होसूर, यानी कि अलग जगह मल्लूर से 33 किलोमीटर दूर। हेलो गाइस, बहुत दिन स्वागत है आप सबका, बहुत दिनों बाद बोले तो स्वागत गाइस, स्वागतम गाइस, स्वागतम ऐसे जोक से पट स्वागतम गाइस। यही व्लॉग में जो मैंने कंटिन्यू किया था, मैं तो भूल भी गया, इतना महीना एक महीना हो ही गया वीडियो नहीं डाला मैं, दो महीना तो महीना जो जगह पे थे अभी वहाँ पे नहीं है, अलग जगह पे आ गया। और यहाँ का जगह बहुत ही मस्त है, देखिए इतना सुंदर जगह, हरियाली हरियाली। और ये दो बंद ये दो को देख सकते हैं, मेरा दोस्त रिकी और अर्जुन, हाय दोस्तों। इधर तो देखो क्या ब्लॉग हो रहा है बे, ब्लॉग हो रहा है, शकल दिखाओ भाई, देखिए ना अभी दिखाया शकल, हाँ अभी दिखाया शकल, बहुत शांत है गाइस यहाँ में, मल्लूर से ज़्यादा दूर नहीं है 33 किलोमीटर, होसूर नाम भी थोड़ा अलग अलग टाइप का है। बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस, कंटिन्यू किया थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं एक चीज़ देखा,
फूल का बिजनेस बहुत पूरा जोर जोर से करते हैं। फूल का बिजनेस यहाँ पे बहुत खतरनाक चलता है, और जब मार्केट से जाता हूँ ना तो पूरा एकदम बढ़िया सा महंगा है। और देखिए गाइस, यहाँ पे मेरा दोस्त लोगन बोल रहा है कि फोटो खींचेगा, फोटो सेशन। और देखिए नज़ारा, देखिए गाइस इतना मजा। देखिए हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे नज़ारा इतना खास खास नहीं था। देखिए यहाँ पे इतना अच्छा है, ये देखिए। ओए यहाँ पे शॉर्ट मूवी बनाने मजा आएगा रे। हम लोग का जो गाइस हॉरर मूवी कंटिन्यू नहीं हुआ था ना, यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। ये देखिए सिनेमेटिक। यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ, हम लोग उधर का जो मिट्टी होता है ना वो नरम होता है। यहाँ देखो चाहे एकदम पत्थर जैसा, यहाँ देखो यहाँ गिर गया ना माथा तो फट जाएगा। देखो यहाँ का मिट्टी देखो गाइस। तो कैमरा में इधर आओ यार, ये इसको तो कुछ बना नहीं। ये गाइस पत्थर जैसा माटी है भाई इधर में, इससे किसी को माथा मारेगा तो फट जाएगा। ये देखो इतना टाइट है, देखिए इधर बहुत मेहनत लगा होगा निकालने के, वो करने के लिए, खुदाई करने के लिए। हो गया भाई, हो गया जेसीबी की खुदाई। गाइस ये तो मेरे को पिकनिक स्पॉट ही लग रहा है, पक्का ये पिकनिक स्पॉट ही है। देखिए इतना अच्छा लोकेशन, देखिए ये लोग तो फोटो खींचते हैं, जब भी जहाँ जाए फोटो 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 फोटो। बहुत ही सुंदर जगह, देखिए गाइस देखते हैं धीरे धीरे यहाँ का भी कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं जा रह रहा था वहाँ, उतना खास कुछ था नहीं इसीलिए। और ये देखिए स्वागतम मेन वर्सेस जंगल। आइए मैं आप सभी को दिखाता हूँ जंगल की कुछ। चलो गोबर दिखा रहे तो। तो गाइस मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ इस जंगल की खासियत, ठीक है। मेन वॉइसेस जंगल, चलिए आइए। अगर आपको यहाँ सर्वाइव करना हो तो इस जंगल का सहारा मत लीजिए, ठीक है समरिया। आप घर से लेके आइए बैकपैक, ठीक है, जो भी खाने का चीज़ें चाहिए, क्योंकि यहाँ में उतना हर चीज़ मिलता नहीं। अब देखिए पत्ता तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, अगर मैं इसे खा लूँगा तो टपक जाऊँगा, ठीक है। और देखिए ये जंगल पूरा एकदम नई न्यू, हम लोग ने डिस्कवर किया है गाइस ये जंगल को। हाँ कोई भी इंसान आज तक इधर में नहीं आया। अरे जितना अंदर, इतना अंदर जाओगे ना गाइस उतना रहस्यमय चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, इतना रहस्यमय कि आप लोग शौक से शौक हो जाओगे। किधर अंदर घुसा रहे हैं गाइस? मैं तो सोचा था कोई आदमी नहीं, ये शायद एलियन का काम है क्या? सेवन आ चुका है यार ये आदमी, नहीं करना मेरे को डिस्कवर बट। दिखा कैमरा मैन जी, दिखाने आप भी देख सकते हैं, जो कि मेरा फ्रेंड को बहुत गुस्सा आ गया, जो कुछ चीज़ मिल ही नहीं रहा उसको, कुछ दिखाने के लिए उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो पूरा नाराज हो गया। अभी जा रहा है तो पक्का उसको नाराज हो गया अभी। तो थैंक यू गाइस आप अपना टाइम मेरे साथ वेस्ट करने के लिए, छोटा सा पार्ट देखने के लिए। माय फ्रेंड ईटिंग केपी, कितना समझाया, गुटखा सेहत के लिए हानिकारक है। हे गुटखा खा के ना टट्टो का कैंसर हो जाएगा, कितने बार समझाया तुमको? गुटखा जान ले हो सकता है आप लोग। आओ मेरे को ऐसा खींच देना, समझाइए। हां ठीक है, ये फोटोग्राफर आया, बड़ा फोटोग्राफर। ये देखो लोकेशन, देखिए गाइस ब्यूटीफुल, गाइस ब्यूटीफुल। नीचे वाला में बैठ गाइस, अभी हम लोग पीने का पानी लेने जा रहे हैं, वो देखिए वो गैलन में। हां अर्जुन, तो गाइस यहां पे क्या होता है कि जो पानी है आपको पूरा फिल्टर करके दिया जाता है, ₹5 में 20 लीटर, ठीक है। तो पे करना पड़ता है, पे करते हैं उसके बाद आपको दे देते हैं, क्योंकि यहां का पानी आप समझ ही सकते हैं। तो मैं आप यहां देखिए ऐसा एक यहां में सब लोग 20 लीटर ले लेते हैं ₹5 में, ऑनलाइन पे करना पड़ता है ₹5। ये देखिए मात्र ₹5। देखो देखो रिकी, ले जाए तू देता नहीं कहाँ है, भी ऐसा चलेगा, तुम वीडियो बनाओ ना ऐसा करके। देखिए गाइस पूरा फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर का बगान, फ्लावर ये देखिए रोज, वो वाला वो मस्त रोज ललिया, रेड रोज। देखिए गाइस मारे खेदाएगा नहीं, खेदाएगा रे पागल, तोड़ थोड़ी रहे। और गाइस देखिए सामने ये है इमली का पेड़, मैं आप सभी को लाइव इमली तोड़ के दिखाता हूँ। ओके ये देखिए, ये देखिए गाइस इमली, और ये बहुत सारा है सब पका पका वाला, बड़ा बड़ा वाला में पूरा टेस्टी टेस्टी वाला है खाने लगे। ये अर्जुन पूरा तोड़ रहा है इमली, दिखाओ तो तोड़ के अच्छे से। और ये बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला इमली है, ये देख सकते गाइस इमली, फर्स्ट टाइम गाइस लाइव इतना बड़ा वाला। ये देखिए
मस्त है। नो नेगेटिव एक के देगा अभी क्या नेगेटिव क्या बात ये क्या बात करता है यार। डेली आना पड़ेगा खाने के लिए इमली। पकड़ो कल को क्या होना है गाइस। उस तरफ में हम लोग गए थे वहां भी इमली का पेड़ है। ओए आराम से तो वहां से तोड़ नहीं सक रहा था तो उधर एक अम्मा था तो वहीं में वो लोग बहुत सारा रखा हुआ था तो बुलाया इधर आ बोल के तो हम लोग सब गए तो लग रहा था क्यों बुलाया बोल के लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दिया तो अच्छा लगा। कैन यू सी ही इज माय फ्रेंड क्लाइम ऑन द ट्री। एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। बोला इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं गाइस। बहुत बहुत सालों के बाद गच्ची में चढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। हरिणी में जब था ना गाइस तो वहाँ में प्लाम का गच्ची में बहुत चढ़ता था बचपन में। दिखाएंगे वहाँ का भी दिखाएंगे आप सभी को ठीक है। तारीख मिलती रही है। ये देखिए इमली का पेड़ में इतना ऊपर उठ गया मैं यार। देख सकते हैं आप लोग ऐसे हम लोग का फ्रेंड है जो कि ऐसे छुचंदर लोग ज्यादातर गाँच पे उठते हैं सर। ऐसे रास्ता में कहीं भी ऐसे छुचंदर लोग मिल जाएंगे। रास्ता पे नहीं गाची पे ज्यादातर मिलते हैं ऐसे छुचंदर लोग। काम नहीं रहता ना वो इमली का पेड़ में दिन भर इमली खा के बैठेगा बस। आग लगा दी देख सकते हैं छुचंदर लोग। मेरे को इतना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी ये ताजा वाला बहुत अच्छा लगता है। गाइस देखिए इतना सारा इमली मिला। ये देखिए एकदम फ्रेश ताजा इसे मसाला वसाला डाल के खाएंगे। ये देखिए इसके पास भी है रिकी के पास और जो कैमरा मैन है उसके पास कुछ नहीं है वो पूरा खा दिया था तो खा के खत्म है। चलो तो देख सकते हैं गाइस तो ऐसे छुचंदर लोग को ऐसे इमली मिलता है रस्ते पे भाई। चलिए यहाँ का टेरेस पे चलते हैं। वाओ टेरेस से भी देखिए गाइस यहाँ पे ये तो क्रिकेट भी खेल सकेंगे इतना दूर तक। यहाँ कोई आराम कर रहा है धूप सेक रहा है क्या मित्र बरतक तो नहीं आता है तो। देखिए गाइस और गाइस हम लोग के वहां पर क्या होता है ना नॉर्थ ईस्ट में कि 5:30 तक में पूरा शाम हो जाता है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है 6 बजे के बाद ही शाम होता है। 6 बजे तक भी थोड़ा उजाला ही रहता है यहाँ पे। तो गाइस बाय बाय टू माय चैनल। तो गाइस हम लोग फोटो सेशन हो गया और आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। बाय बाय ठीक है भूल चूक माफ करिए और दुआ में याद रखिए ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में टाटा बाय बाय। एक चीज बोलना भूल गया गाइस जय हिंद जय भारत।